हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। दोस्तों आज हम होंडा एसपी 160 एंड होंडा यूनिकॉर्न 160 के अंदर एक डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है, दोनों बाइक के अंदर कितना प्राइस गैप आता है, टॉप स्पीड कितनी तक जाती है, माइलेज क्या मिलती है, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहे। वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा फॉर प्रोवाइडिंग मी दोस बाइक। अगर आप लोग कोलकाता से हो तो डेफिनेटली लीडर्स होंडा शोरूम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटी मिलती है, फिर उसके बाद जानेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों दोनों बाइक के अंदर सिमिलरिटीज की बात करें तो वो है इसके इंजन में। दोनों में ही आपको सेम 162.71 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एफआई इंजन मिलती है, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 13.27 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 14.58 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है 5500 आरपीएम पर। इसलिए दोस्तों दोनों बाइक के अंदर आपको सेम टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है, वो है इसका 108 किलोमीटर प्रति घंटे की। और दूसरा सिमिलरिटीज की बात करें वो इसका साइलेंसर। दोनों बाइक के अंदर आपको सेम साइलेंसर देखने को मिल जाएगी। और तीसरा सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों बाइक का सस्पेंशन, दोनों बाइक का फ्रंट एंड रियर सेम सस्पेंशन मिल जाती है। इसके अंदर में भी आपको सेम फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है, उसमें भी आपको सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है। पीछे भी आपको सेम रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल दिया है, उसमें भी आपको रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल दिया है। और चौथा सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको सेम डायमंड टाइप चेसिस देखने को मिल जाएगी। और लास्ट सिमिलरिटी है वो इसका रियर ड्रम ब्रेक में। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये डिस्क है, ड्रम वेरिएंट के अंदर आपको सेम इसमें भी आपको 130mm ड्रम ब्रेक मिलती है, उसमें आपको सेम 130mm का ड्रम ब्रेक पहले से ही मिलती थी। ओके, तो ये हुई दोनों बाइक के अंदर सिमिलरिटीज की बातें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के अंदर क्या कुछ डिफरेंस मिलती है उसके बारे में। दोस्तों पहले होंडा एसपी 160 के अंदर क्या मिलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हो फुल्ली एलईडी हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगी, हैलोजन में टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको बॉडी कलर में फ्रंट मडगार्ड देखने को मिल जाएगी। और डिस्क साइज की बात करें तो एसपी 160 के अंदर आपको 276mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो निसिन कंपनी का ब्रेक कैलिपर्स, और यह है इसका एबीएस का रिंग। बाकी इसका फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 80x100 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगी इस वाली बाइक में। तो चलिए दोस्तों अब यूनिकॉर्न 160 के अंदर क्या कुछ मिलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फुल्ली हैलोजन में हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाएगी, हैलोजन में टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपका मडगार्ड वही ब्लू कलर में देखने को मिल जाएगी। और भाई इस बाइक में आपको 220mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर भी आपको सेम निसिन कंपनी का ब्रेक कैलिपर्स मिलती है। लेकिन दोस्तों इस बाइक में आपको आगे का टायर 18 इंचेस का मिलता है, और टायर सेक्शन है 80x100 18 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगी। और इसमें भी आपको सेम सिंगल चैनल एबीएस मिलती है एसपी 160 की तरह ही। दोस्तों एसपी 160 को अगर साइड से देखोगे तो काफ़ी स्पोर्टी एंड मॉडर्न लुक के साथ ये नज़र आएगी। बाकी यहाँ पर टैंक की साइड में आपको काफ़ी खूबसूरत सा आपको टैंक काउल देखने को मिल जाएगी। और भाई ये पूरा फाइबर का पार्ट है, यहाँ पर आपको नियॉन एंड सिल्वर कलर में डिकल्स देखने को मिलती है, यहाँ पर होंडा का 3D में लोगो देखने को मिलती है। और भाई इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जिसका माइलेज आपको लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक मिल जाएगी। और ये आपको ऑब्वियसली E20 एंड OBD2 के साथ आ रही है। बाकी यूनिकॉर्न के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर आपको वही ओल्ड डिजाइन वाली लुक यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर ये जो फ्यूल टैंक देख रहे हो ये पूरा मेटल का बनी हुई है, और भाई इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, जिसका माइलेज आपको वही सेम 45 से 50 किलोमीटर तक दे देगी आराम से। ये बाइक भी E20 एंड OBD2 के साथ ही आ रही है। बाकी दोस्तों इस बाइक में आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको मिलती है टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर ओडोमीटर, यहाँ पर ट्रिप मीटर, यहाँ पर आपको मिल जाएगी न्यूट्रल का सिग्नल, टर्न इंडिकेटर का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, फ्यूल गेज, इंजन माल फंक्शन सिग्नल, यहाँ पर होंडा का लोगो। बाकी दोस्तों इसका जो हैंडल बार है कुछ इस तरीके का देखने को मिलती है। और भाई स्विचेस आपको दोनों बाइक के अंदर सेम देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको सेम इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों पहले आप लोगों को मैं यूनिकॉर्न 160 का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। ये था यूनिकॉर्न 160 का एग्जॉस्ट साउंड। अब दोस्तों एसपी 160 का एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि दोनों बाइक के एग्जॉस्ट साउंड में क्या कुछ अंतर मिला है कि नहीं। तो बात कर लेते हैं आप सीटिंग कंफर्ट के बारे में। दोस्तों इस बाइक का सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक कंफर्ट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन दोस्तों यूनिकॉर्न 160 के अंदर जो सीट मिलता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल मिलता है
होंडा एसपी 160 के मुकाबले। बाकी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगी ब्लू कलर में, और यहाँ पर आपको ग्रे कलर में मेटल का ग्रैब रेल देखने को मिलती है। यहाँ पर 160 का बैजिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर सिल्वर एंड नियॉन कलर में डिकल्स देखने को मिलती है, और इस तरफ आपको यूनिकॉर्न का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों रियर टायर आपको इसके अंदर मिलेगी MRF कंपनी का 100x90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलती है, और इसके अंदर आपको दोस्तों काफ़ी मोटा टायर देखने को मिल जाएगी, वो इसका 130x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, वो है 18 इंच का ट्यूबलेस टायर। बाकी दोस्तों इसका टायर देखिए कितना मोटा टायर आपको इसमें मिलती है। SP 160 का रियर लुक्स आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको V शेप LED में टेल लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको वही हैलोजन में टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लग जाएगी, और यहाँ पर आपको काफी बड़ा साइज का आपको रियर मडगार्ड देखने को मिल जाएगी। और भाई इस तरफ आपको ओपन चेनसेट कवर देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों यूनिकॉर्न 160 के अंदर आपको फुल चेनसेट कवर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से इसका टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब दोस्तों यूनिकॉर्न 160 का रियर लुक्स दिखा देता हूँ। यूनिकॉर्न 160 के अंदर आपको कुछ इस तरीके का टेल लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पर होंडा का ब्रांडिंग, यहाँ पर आपको वही हैलोजन में टर्न इंडिकेटर रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर आपको काफी बड़ा साइज का रियर मडगार्ड देखने को मिल जाएगी। बाकी इस तरफ जब आओगे तो देखोगे यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटपैक देखने को मिलती है, SP 160 के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको नहीं लगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल नया बाइक है। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको फुल चेनसेट कवर देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों यूनिकॉर्न का फुटपैक कुछ इस तरीके का फोल्ड होती है, बस इतनी सारी फोल्ड होगी। लेकिन दोस्तों SP 160 का फुटपैक देखोगे ये पूरा आप इतनी तक फोल्ड हो जाती है। बाकी दोस्तों यूनिकॉर्न 160 का मिडिल पैनल में देखोगे तो यहाँ पर आपको मोनो सस्पेंशन लिखा हुआ देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों SP में देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर में SP का 3D बैजिंग के साथ ये सेंटर पैनल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब SP 160 का मीटर कंसोल आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुल्ली डिजिटल में मीटर कंसोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, वही आपका CB 300F के अंदर जो मीटर कंसोल देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपका वही टैकोमीटर गियर पोजिशन इंडिकेटर फ्यूल गेज ट्रिप मीटर बैटरी वोल्टेज टाइम, और इस सिलेक्ट बटन को प्रेस करके आप ऑटो रीडिंग ट्रिप वे ट्रिप बी, और ऊपर में आपको सारे इंडिकेटर्स का लाइटें देखने को मिलती है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर का सिग्नल ABS का सिग्नल इंजन माल फंक्शन का सिग्नल न्यूट्रल का सिग्नल, ये देखिए इंजन माल फंक्शन का सिग्नल टर्न इंडिकेटर का सिग्नल। बाकी इस सेट बटन को प्रेस करके आप ट्रिप वन का एवरेज बैटरी वोल्टेज ये सब कुछ देख पाओगे। यहाँ पर होंडा का ब्रांडिंग भी दिख जाएगी आपको। बाकी आपको दोनों में ही आपको सेम मिरर देखने को मिलती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप दोनों बाइक के प्राइस के बारे में। पहले होंडा SP 160 डुअल डिस्क के बारे में जान लेते हैं। इस बाइक का एक शोरूम कीमत है 1,21,900 एंड ऑन रोड प्राइस है 1,46,622 रुपीज, और सिंगल डिस्क का एक शोरूम प्राइस है 1,17,500 और ऑन रोड प्राइस है 1,41,729 रुपीज। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न 160 का प्राइस के बारे में। यूनिकॉर्न 160 के अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलती है, वो इसका सिंगल डिस्क वेरिएंट। इसका ऑन रोड कीमत है 1,33,388 रुपीज, जो मैंने आपको बताया हूँ लीडर्स होंडा तारातला शोरूम की। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।